इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा फ्रॉक बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितना हो सकता था मैंने शॉर्ट करके वीडियो बनाई है। तो ये इसका बॉडी का हिस्सा है, ये आप समझ लें। ऊपर से मैंने 7.5 इंच चौड़ाई और नीचे से 10 इंच गहराई पे इसको मैंने काटा है राउंड शेप में। थोड़ा सा राउंड किया, ज़्यादा नहीं करना, बस ये 1 इंच का इसमें फ़र्क है। वी गला काटना है और उसमें हल्की सी शेप डालनी है। और बॉडी को 4 इंच आपने फ्रंट की बॉडी को बढ़ता हुआ काटना है, साइज़ के मुताबिक जो आपका साइज़ है उससे आपने 4 इंच बढ़ता हुआ काटना है। और बैक की जो बॉडी आपने परफेक्ट साइज़ पे काटनी है। तो ये मैंने कटिंग करने के बाद इस पर नीचे पेपर बुकरम चिपकाई है 1 इंच चौड़ी, और इसके बाद मैं ये इस पर पाइपिंग लगा रहा हूँ। एक सिलाई से ये पाइपिंग लगेगी गोलाई पर, और आड़े कपड़े से आपने लगानी है, मतलब कपड़े में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए क्योंकि ये गोलाई है, ताकि इसमें सही बैठ जाए। और एक बूट का मैंने इसमें दबाव रखा है, मतलब एक बूट चौड़ी इसमें मैंने पाइपिंग लगाई है। और इसके बाद इसके उल्टी साइड पे जो है इस पाइपिंग को मैं पक्का कर दूंगा 1 इंच के दबाव से, इस तरीके से। तो सीधी तरफ भी आपकी 1 इंच की सिलाई और शो हो जाएगी, मतलब कि टोटल 2 सिलाई में ये पाइपिंग रेडी हो जाएगी आपकी। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत ईजी तरीका, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, फ्रंट का हिस्सा जो ये रेडी हो चुका है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके जो घेर हैं उसमें मैंने एक पीस 32 इंच चौड़ा लिया है, और दूसरी साइड का जो लेफ़्ट साइड वाला पीस है वो मैंने 15 इंच चौड़ा लिया है, क्योंकि इसमें 2 पीस हैं फ्रंट से, ये ओपन है, ये देखिए। और ये 2 पीस हैं इसमें, ये एक मैंने 32 इंच का लिया और दूसरा जो है वो 15 इंच का लिया है। तो इसमें मैंने प्लेटें डाली हैं, 1/2 इंच की प्लेट डाली है, और 1 इंच के गैप से इस पर मैंने प्लेटें डाली हैं। तो ये तकरीबन 15 इंच तैयार आ जाएगा, जो फ्रंट के राइट साइड वाले पीस के साथ अटैच होगा। और दूसरा जो पीस है उसमें मैंने 5 प्लेटें डाली हैं इसी हिसाब से। तो ये तकरीबन 7.5 इंच पे तैयार होगा, क्योंकि ये फ्रंट पे लेफ्ट साइड वाली पे अटैच होगा, तो ये सेंटर से 1 इंच बढ़ता हुआ लगेगा। और ये जो हेम कर रहा हूँ मैं, ये अंदर जाएगी साइड, ये नज़र नहीं आएगी। फ्रंट पे जो आपने पाइपिंग लगी हुई देखी है उसके नीचे दब जाएगी ये। तो ये देखिए, लेफ़्ट साइड वाला पीस मैंने उठाया, इस पर ये छोटा वाला पीस मैं अटैच करूँगा, और अटैच करने के बाद मैं आपको दूसरा वाला पीस रख के दिखाऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड वाला पीस है और ये राइट साइड वाला, राइट साइड वाला जो है वो ऊपर आएगा। तो ये मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद जो राइट साइड वाला जो पीस है, इस पर मैं जो मैंने दूसरा जो पीस है बड़ा वाला, वो इस पर अटैच करूँगा। ये याद रखिएगा कि राइट साइड वाले पे बड़ा पीस अटैच होगा। और बैक की बॉडी के लिए मैंने इसमें 46 इंच चौड़ा एक पीस काटा है, और लंबाई दोनों की, फ्रंट की और बैक की, 40 इंच है घेर की, और बॉडी की लंबाई 15 इंच है। तो ये तकरीबन 55 इंच पे आपका फ्रॉक जो है ये रेडी होगा, और इसका घेर भी अच्छा खासा होगा। इसके बाद ये देखें, फ्रंट पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाई है एक ही सिलाई से, आपको फोल्ड भी करना है और साथ ही कपड़ा इसके अंदर करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह आपकी फ्रंट की पाइपिंग भी रेडी हो जाएगी, और बहुत इजी तरीका है, इस तरह पाइपिंग लगा सकते हैं आप, अगर आपने थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगानी है तो। और इसके बाद उल्टी तरफ मैंने इसको पक्का किया है, जैसे हम डोरी पाइपिंग पक्की करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये दोनों तरफ के पीस रेडी हो चुके हैं। अब इस पर मैंने 2 पिनें लगाई हैं, एक ऊपर गले पे और एक लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे पाइपिंग उतर रही है वहाँ पर, ताकि अपनी जगह पर रुक जाए। और इसके बाद यहाँ से सिलाई लगाते हुए मैं नीचे तक चला जाऊँगा, नीचे से 11 इंच छोड़ के आपने इसको बंद कर देना है। यहाँ पे आपने पक्का करना है सिलाई। तो ये फ्रंट देखे रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक टांका लगाना था कि नीचे वाला पीस जो है वो इसके साथ जुड़ जाए। और अगर आप इसी साइज़ पे काटते हैं फ्रंट का जो हिस्सा है, तो फिर आपने ये गला, बैक का जो गला है उसकी चौड़ाई आपने 7 इंच रखनी है, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट साइज़ पे आ जाएगा शोल्डर का साइज़। तो ये देखें, मैंने ये लगा दिया, और इसके बाद मैं इसके शोल्डर की सिलाई लगाऊंगा 1/2 इंच के दबाव से। आपने इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है, और इसके बाद मैं आपको इसकी आस्तीन बनाने का तरीका बताऊंगा कि इसमें आस्तीन में मैंने कौन सी लेस लगाई है। ब्लैक कलर की मैंने इसमें लेस लगाई है, तकरीबन 4 इंच चौड़ी है, लेकिन उसको मैंने 1.5 इंच शो किया है,
सिर्फ उसका जो डिज़ाइन है वो शो किया है, और ऊपर का जो आउटलाइन है वो उसको मैंने छुपा दिया, अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो ये बैक की बॉडी है, इसके साथ मैंने जोड़ दिया। अब ये जो है ये आस्तीन है, आस्तीन को मैंने सीधा रखा है और लेस को इसके ऊपर उल्टा रखा है, मतलब लेस की नीचे वाली जो साइड है वो सीधी है। उसके बाद दूसरी सिलाई से पलट के आप इसको इस तरह जब पक्का करेंगे तो सीधी तरफ आपकी जो है हाफ लेस शो होगी इस तरीके से। आप चाहें तो इसको फुल भी शो कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। और इसके बाद ये मैंने आस्तीन लगाई है, और इसके बाद मैं साइड की सिलाई लगा के इसके दामन की लेस लगाऊंगा, और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा कि कैसा बना ये फ्रॉक। तो ये साइड की सिलाई लग चुकी है, और दामन पर भी मैंने इसी तरह लेस लगाई है, लेकिन इस तरह आपने फोल्ड करना है क्योंकि ये हिस्सा फ्रंट पर आएगा तो ये फिनिशिंग से लगना चाहिए। इस तरह आप लेस को पहले फोल्ड कर लें उल्टी तरफ, लेस को मैंने उल्टी तरफ फोल्ड किया, और उसके बाद इस तरह रख के मैंने इसको लगाया। दबाव मैंने लेस के हिसाब से ही लिया है ताकि इसमें ये कपड़ा भी छुप जाए और लेस भी फिनिशिंग से लग जाए। तो इस तरह पहले आपने कच्चा करना है इसको, अगर इस तरह लगाना चाहते हैं तो। और इसके बाद पलट के आपने दूसरी सिलाई लगानी है लेस के किनारे पे, और कोनों पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो कोने वो फिनिशिंग से बनने चाहिए, मतलब कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र नहीं आने चाहिए। उसके बाद ये लेस की आउटलाइन पे मैंने सिलाई लगा दी है, और ये इसका फाइनल लुक है। तो देखिए ये प्लेटें भी बिल्कुल बैठ गई, अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं किया, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।